क्या आप प्रायोरिटीज क्या देख रही हैं? आपकी कैबिनेट बन गई है, मुस्तकबिल के हवाले से कितनी पूरी उम्मीद है आप? बहुत पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और कैबिनेट में भी हमने बड़े अहम लोग लिए हैं, यंग लोग लिए हैं और फॉरेन क्वालिफाइड लोग लिए हैं, एजुकेटेड लोग लिए हैं माशाल्लाह, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो, खिदमत करेंगे दिल से आवाम की। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देख के एहसास हुआ कि एक बड़े मंजे हुए जैसा एक सियासतदान करता है, पीछे नवाज शरीफ फोर्स है, मरियम नवाज फोर्स है, या क्या देख रही है कि आवाम का जो रीफ का दर्द है वही है आगे? देखिए, इसमें एक पूरी तारीख है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, और मैं ये कहती हूँ कि उनकी खिदमात को निकाल दो पीछे खंडर बचता है। तो उनकी बड़ी खिदमात है, उनका एक्सपीरियंस है और मुझे उनकी गाइडेंस है, मैं खुशकिस्मत हूँ। और उसके बाद मेरी ड्राइविंग फोर्स जो है, मेरी मोटिवेशन जो है, वो पाकिस्तान के पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम है। मैडम ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त ये इमेज है कि मरियम नवाज साहबा सुबह 9 बजे दफ्तर होती है, जबकि जो ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं, आई लीड बाय एग्जांपल। अगर कोई देर से भी आता है तो शायद मुझे देख के जल्दी आना शुरू कर। अच्छा, आते हैं। अच्छा, इस वक्त जो मौशी जो इस वक्त आदाब है ना, बस नहीं एक आखिरी मौशी आदाब जो है ना, इस वक्त जो हमारी फोर्स थी और इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो सारा है, उसके ऊपर पंजाब बड़ा वाइटल रोल किरदार अदा करेगा, क्या देख रही है? इन्वेस्टर्स के लिए कोई आपकी पॉलिसीज आ रही है? पूरा पैकेज बना रही हूँ पंजाब का, जो भी पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है नेशनली, दूसरे मुल्कों के लिए भी, हम एक पूरा पैकेज बना रहे हैं जिसमें हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स फ्री जोन्स देंगे, उनको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिलेंगी, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि पंजाब इन्वेस्टमेंट का हब बने, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएं। ये मेरा पूरा ख्वाब है जिसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे।